ओम श्री परमात्मने नमः, ओम श्री गुरुभ्यो नमः, ओम श्री भवद्भ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चलदृश्यम प्रति भवतां सर्वेषां हार्दिकं स्वागतम्। मित्राणि, अद्य वयम् संस्कृत भाषा शिक्षणस्य चतुरशीतितमं पाठं पठिष्यामः। गतपाठे अस्माभिः द्वंद्वसमास पर्यन्तं सर्वं पठितं, समीचीनं पठितं सर्वं। इदानीम् अग्रे अस्मिन् पुस्तके, अब इस पुस्तक में हम आगे देखते हैं कि कुछ प्रत्ययों को बताया गया है, उन प्रत्ययों को हमने अभ्यासों के अंतर्गत पढ़ लिया है, परंतु वहां पर कुछ धातुओं से ही उन प्रत्ययों को लगा करके बतलाया गया है। यहां पर उस प्रत्यय को लगा करके अधिक धातुओं को दिखलाया गया है, तो इन धातुओं को लिख करके यहां कोई दिखलाने की आवश्यकता नहीं है, ये आपको पुस्तक में पढ़ करके ठीक प्रकार से समझ में आ जाएगा, क्योंकि अभ्यास में आपने पीछे पढ़ लिया है, कोई परेशानी नहीं है। तो पहला जो प्रत्यय है इसमें वह है कृत, और दूसरा प्रत्यय है कृतवतु प्रत्यय। ये पढ़ लिया था आपने, भूतकाल में होता है यह प्रत्यय, और इसके वाक्य बनाने के लिए जो नियम बताया था वो पीछे देखना है आपको। इसमें यह भी लिखा हुआ है कि इन प्रत्ययों का प्रयोग कौन से अभ्यासों में हुआ है, यह भी लिखा हुआ है। ये पुस्तक होना परम आवश्यक है, इसलिए मैं आपको इसीलिए कहना चाहूँगा कि इन पुस्तकों को आप मंगा लीजिएगा। आपके पास में PDF है कोई है तो ठीक है, पुस्तक का अपना एक अलग महत्व होता है। तो ये पुस्तक आप यदि मंगाना चाहते हैं, और इसका सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट, तो आप इस नंबर पर हमें मैसेज करिएगा, हम आपको पुस्तक आपके घर पर ही बैठे बैठे भेज देंगे। कोई भी पैसा अधिक नहीं लेंगे, बिल्कुल भी अधिक नहीं लेना हमको एक पैसा भी, हमको कोई लाभ नहीं कमाना अधिक, पर आपके पास में पुस्तक होगी तो आप ठीक प्रकार से चीजों को देख पाएंगे, पढ़ पाएंगे, समझ पाएंगे। PDF में आप एकदम कैसे खोल सकते हैं, पर पुस्तक में आप खोल लेते हैं झट झट, राइट। फिर आपके ऊपर निर्भर करता है, इस पुस्तक का बहुत ही कम मूल्य है, आप कहीं मार्केट में इतनी मोटी पुस्तक खरीदेंगे तो बहुत पे करना पड़ेगा, उसमें कोई सामग्री नहीं होगी, परंतु इसमें ज्ञान का भंडार है और रेट बहुत कम रखी गई है, बहुत ही कम। तो ये क्त और क्तवतु प्रत्यय है, और तीसरा प्रत्यय है क्षत्री प्रत्यय, यह भी बतला दिया गया था, ये रहा है, रही है, रहा था आदि अर्थ में होता है। और फिर इसके बाद में तुमुन तव्य त्रिच प्रत्यय ये भी थे, ये भी आपको बता दिए गए थे अभ्यासों में, तो वहां जाकर के देखें आप। इसके बाद में फिर त्वा प्रत्यय था कर के अर्थ में, और कहां त्वा को लेप हो जाता है यह भी आ गया था, तो यह प्रत्यय भी आपको पढ़ा दिया गया था। उसके अनंतर लिप प्रत्यय था और अनियर प्रत्यय था, यह भी अभ्यासों में पढ़ा था हमने समझ समझ करके। और अब इसके आगे आपको इस पुस्तक में डॉक्टर कपिल देव जी ने कुछ निबंध दिए हैं, वो हिंदी में दिए गए, आपको संस्कृत में बदलने हैं, ट्रांसलेट करना है। मैं उनको चेक नहीं कराऊंगा, आप स्वयं इनकी संस्कृत लिखें, और इसमें क्या है, नीचे आपको पुस्तक के नीचे भाग में यहां जो आपको दिख रहा होगा, जो कोई कठिन शब्द है बहुत ज्यादा, उसका अनुवाद नीचे दे दिया है, तो उस पर यह लिखा हुआ है कि वहां ये एक काले काले अक्षरों में आप दिख रहा है मोटा मोटा हेडिंग, उसके जो शब्द संस्कृत में क्या होने चाहिए वो नीचे
दे दिए हैं। तो ये निबंध आपको लिखने हैं। पहला निबंध संस्कृत भाषा, दूसरा निबंध कालिदास का विषय लेकर के, तीसरा अहिंसा, चौथा आरोग्य, पांचवा सदाचार, छठा सत्संगति और सातवां महात्मा गांधी, आठवां महर्षि दयानंद सरस्वती, नौवां दशहरा, दसवां दीपावली और ग्यारहवां स्वदेश प्रेम और बारहवां स्वावलंबन, तेरहवां अनुशासन पालन और चौदहवां मित्रता और पंद्रहवां विद्यार्थी जीवन, सोलहवां शिक्षा का उद्देश्य। ये सोलह निबंध दिए हैं, ये आपको लिखने हैं। आपने जो पीछे सीखा है उसको अब आपको निबंधों को लिखने में प्रयोग करना है, नियमों का, तभी अभ्यास होगा। तो इसलिए ये दिया हुआ है, तो ये आपका कार्य है। फिर उसके आगे इसमें निबंध संग्रह अर्थात निबंधों के लिखने के लिए किन किन बातों की आवश्यकता होती है, किन विषयों को ध्यान में रखना चाहिए, वो दिया हुआ है। आवश्यक निर्देश तो उनको आपको पढ़ना है, पुस्तक में आपको पढ़ना है। तो निबंध कैसे लिखना चाहिए, उसके अंदर क्या विशेषता होनी चाहिए और पहले क्या लिखा जाना चाहिए, फिर बीच में क्या लिखा जाना चाहिए, किस प्रकार की सामग्री, और अंत में उसकी समरी कैसे लिखी जानी चाहिए, वो सारी विधा बताई है। अब इसके अनंतर संस्कृत के इन्होंने निबंध दिए हैं। अभी हिंदी के निबंध दिए थे संस्कृत बनाने के लिए, अब इन्होंने संस्कृत के निबंध दिए, उनको पढ़ना है और उनकी हिंदी करनी है। ये कार्य मैं करवाऊंगा आपका। ये संस्कृत के जितने भी इसमें निबंध दिए हैं, 20 निबंध दिए हैं छोटे छोटे, उनको मैं पढ़ करके यहां हिंदी आपको बतलाऊंगा आगामी पाठ में, आगामी कम से कम 2 या 3 कक्षाओं में ये 20 निबंध में पढ़ करके और उनकी हिंदी आपको समझा करके बतलाऊंगा। फिर ये पुस्तक पूरी समाप्त हो जाएगी, आप इस पुस्तक के अध्येता बन जाएंगे, इसके विद्वान बन जाएंगे, आप दूसरों को पढ़ा भी पाएंगे, ये मैं आत्मविश्वास के साथ कहता हूं। टीचर को मालूम होता है कि मैंने अपने विद्यार्थियों को इतना अच्छी प्रकार से पढ़ाया है कि मेरे विद्यार्थी मेरे द्वारा पढ़ाई गई विद्या को अच्छी प्रकार से पढ़ा सकने में समर्थ हैं, ये अध्यापक को मालूम हो जाता है। और मुझे मालूम है मैंने इतनी परिश्रम से और धैर्य के साथ इस पुस्तक को लगभग 90 क्लास में पढ़ाया है। 90 क्लास में किस लिए, इसका एक भी वाक्य ऐसा ना रहे जो आपको समझ में ना आए, प्रत्येक चीज समझ में आ जाए, इसलिए मैंने धीरे धीरे इसको पढ़ाया है। तो आप अब पढ़ाने में समर्थ हो गए हैं। आप अध्यापक हैं तो स्कूल में पढ़ाइएगा, और आप अध्यापक नहीं हैं, आप दुकान चलाते हैं, आप और भी कोई कार्य करते हैं, तो अपने बच्चों को पढ़ाइएगा, अपने बच्चों को पढ़ाइएगा। स्वयं इस YouTube की सहायता भी ले सकते हैं, पर पढ़ानी है आपको, ऋण तभी उतरेगा, ये गुरु ऋण है, पूरा नहीं उतरता। हम बहुत पढ़ाएंगे, बहुत पढ़ाएंगे, लाखों विद्यार्थियों को पढ़ा देंगे, परंतु हमने अपने गुरुजनों से जो पढ़ा है उसका ऋण नहीं उतरना, तो आपको पढ़ाना पड़ेगा, ये आपको देखना है। तो अब हम आगे के निबंध आगे की कक्षा में पढ़ेंगे, शीघ्र ही हम आपसे आगे मिलते हैं, तब तक प्रतीक्षा कीजिएगा। सर्वेभ्यो नमो नमः।